आज की हेडलाइन पर। जम्मू विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली का समारोह, भूत का साया बताकर रात को तांत्रिक ने की युवती के साथ अश्लीलता, दूल्हे की हरकत देख गुस्साई दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बोली चल फुट यहाँ से। अब खबरें विस्तार से। जम्मू विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह में 12 मार्च को भाग लेंगे विख्यात लेखक निर्माता गुलजार। गोल्डन जुबली समारोह की कड़ी में होने वाले कार्यक्रम का आयोजित विश्वविद्यालय का उर्दू विभाग डीन स्टूडेंट वेलफेयर विभाग संयुक्त रूप में करेंगे। जनरल जोरावर सिंह ऑडियो रेडियम में दोपहर के बाद 3 बजे कार्यक्रम में राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। भूत का साया बताकर रात को तांत्रिक ने पत्नी के साथ मिलकर युवती से की हरकत। होशियारपुर में युवती बीमार थी, किसी परिजनों ने बताया कि वह उसे तांत्रिक के पास ले जाए, जबकि लड़की वहां ले जाया गया तो तांत्रिक ने पत्नी के साथ मिलकर उसे नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तांत्रिक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तांत्रिक अब तक फरार है। दूल्हे की हरकत देख गुस्साई दुल्हन शादी से किया इनकार, बोली चल फुट यहाँ से। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बाद भी लोगों की लत नहीं छूट रही है। इसी लत ने दूल्हे को मंडप से बेरंग लौटने के लिए विवश कर दिया। लड़की ने शराबी दुल्हन से शादी करने से इनकार कर दिया। यह मामला डुमरी छापरिया गांव का है। मंडप पर शराब के नशे में धुत दूल्हे के लड़खड़ाते हुए कदम को देख लड़की ने गुस्से में आ गई और शादी करने से यह इनकार कर दिया। मामला काफी बढ़ गया था, लड़के वाले की ओर से काफी मान मनोबल किया गया, लेकिन दुल्हन नहीं मानी। अंत में शनिवार की सुबह बारात दुल्हन बिना बगैर ही लौट गई। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।